नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम सब डिस्कस कर रहे थे रशियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पार्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रशियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव किस तरह से वर्क करती है और उसके कुछ खास बात उसकी कुछ खास बातें जो उसको और कंट्री लाइक अमेरिका, इंडिया या यूके इन सब की लेजिस्लेचर से उस रसियन रसिया की जो लेजिस्लेचर है किस तरह से डिफरेंट है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो उसके दो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। उसी तरह से रसिया में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उसमें दो हाउस हैं। लोअर हाउस को हम कहते हैं ड्यूमा, जो कि इलेक्टेड बॉडी होती है, और अपर हाउस को कहते हैं हम फेडरेशन काउंसिल, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, मतलब कि लोग उसको डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं। तो रसिया का पूरा लेजिस्लेटिव पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम ड्यूमा कहते हैं, कहीं कहीं इसको स्टेट ड्यूमा भी कहा जाता है। स्टेट ड्यूमा, स्टेट मीन मत स्टेट का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि जैसे इंडिया में स्टेट है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब। स्टेट का मतलब राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में कंट्री से माना जाता है, कंट्री को स्टेट कहा जाता है। तो जो कंट्री की लेजिस्लेचर है उसकी जो उसका जो लोअर हाउस है ड्यूमा है रसिया की, उसको ड्यूमा भी कहा जा सकता है, कई कई जगह ड्यूमा कहा जाता है और कई कई जगह उसको स्टेट ड्यूमा कहा जाता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके नाम खाली अंतर है, दोनों चीजें सेम है। तो ड्यूमा का जो नेचर है वो इंडिया की जो लोकसभा है उसकी तरह है, कुछ कुछ एकदम समान नहीं है लेकिन कई मायने में सेम है। जैसे वहाँ ड्यूमा लोअर हाउस है, यहाँ भी लोकसभा लोअर हाउस है। ड्यूमा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, यहाँ लोकसभा भी डायरेक्टली इलेक्ट होती है, इलेक्ट की जाती है। तो ये बात है, इसके नेचर में यही सारी चीजें हैं। इसके टर्म की बात करें तो इंडिया में भी जैसे हम बात करें कि लोकसभा का जो टर्म है वो नॉर्मली हम देखते हैं कि 5 साल ही होता है। किसी खास स्थिति में कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए या कुछ और स्थिति बने, डिजॉल्व हो जाए, ठीक। तो ऐसे ऐसे सारी परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली लोकसभा का जो टर्म है या टेन्योर है या कार्यकाल है वो 5 साल होता है। वैसे वहां का ड्यूमा का जो कार्यकाल है रसिया की, उसका भी कार्यकाल यानी कि टर्म 5 साल है। नंबर की बात करें तो रसियन ड्यूमा यानी स्टेट ड्यूमा में जो एक तरह से कहें मेंबर्स होते हैं वो 450 मेंबर होते हैं। ये 450 मेंबर्स के अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में लोअर हाउस यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, पहले तो दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था लेकिन अब वो हट गया। तो अब जितने मेंबर हैं सब किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। लेकिन ड्यूमा यानी कि रसियन रसियन लेजिस्लेचर की जो लोअर हाउस है ड्यूमा, उसमें दो तरह का इलेक्शन होता है। ड्यूमा के लिए दो तरह का इलेक्शन होता है, 250 मेंबर्स के लिए अलग तरह का इलेक्शन होता है और 250 मेंबर्स के लिए अलग तरह 225 मेंबर्स के लिए सॉरी 225 मेंबर्स के लिए अलग तरह का इलेक्शन होता है और 225 मेंबर्स के लिए अलग तरह का इलेक्शन होता है। आधा मेंबर यानी 225 मेंबर्स के लिए एसटीवीएस सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें एक तरह से जैसे हम इंडिया में क्या देखते हैं, जैसे इंडिया में किसी एमपी का इलेक्शन जिस तरह से भी होता है कि लोग उस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको इलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होके आता है, तो ऐसे इंडिया में जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होके आता है। तो वैसे रसिया में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं, ठीक, और उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ड्यूमा का मेंबर इलेक्ट होकर के आता है और वो बनते हैं 225। बाकी बचे जो 225 उनका भी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होता है, बट इनके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है।
जो पहले वाले मेंबर थे उनका उनका जो इलेक्शन होता है उनमें जो एक तरह से कहें कि कौन जीतेगा इस बात का निर्धारण होता है वो मेजोरिटी के बेसिस पे होता है। जैसे मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक मेंबर को जिसको ज्यादा वोट मिल गए, सबसे ज्यादा वोट, वो विनर बन जाता है। बट जो बचे दूसरे 225 मेंबर, उनका इलेक्शन पार्टी की लिस्ट सिस्टम पे होता है। मतलब जैसे मान लो कि इंडिया की अभी बात कर लें, हमें भी थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा सिस्टम हो कि इंडिया में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें टोटल 5 पार्टी, 5 ऐसी पार्टियां हैं, या मान लो 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनी हुई हैं। लोग वोट करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस व्यक्ति को, बट उनके दिमाग में ये बात रहेगा कि हम एक पार्टी को वोट कर रहे हैं। जैसे अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस एमपी या एमएलए को वोट तो करते हैं, बट अगर हमारा वोट, जैसे मान लो उस कोई 30% वोट पा करके जीत जाता है, कोई 40% वोट पा करके जीत जाता है, वहीं पर कोई 2-4 वोट या 10-20 वोट से हार भी जाता है, तो इसको हटाने के लिए रसिया में एक ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जैसे कंट्री में जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ठीक, लोग इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हिस्से के लोग पार्टी को वोट देंगे, हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी का कोई ना कोई मेंबर खड़ा जरूर होगा इलेक्शन में, बट लोग पार्टी को वोट देंगे। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी पार्टी का वोट घट रहा है और किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी का वोट बढ़ रहा है, तो अल्टीमेट एग्रीगेट वोट बना करके देखा जाता है कि उस पार्टी को कितने वोट मिले। जैसे मान लो कि इलेक्शन हुआ और पूरी रसिया में एक पार्टी को मान लो कि 30% वोट मिले और एक पार्टी को 50% वोट मिले, ठीक, तो 50% वोट जिसको मिले हैं उनको 50% सीट दे दिया जाएगा 225 का, और जिनको 30% वोट मिले हैं उनको 225 का 30% सीट दे दिया जाएगा। इस तरह से होता है। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे यहाँ इंडिया में क्या है कि कभी कभी 2-4, 10-20 वोट से लोग हार जाते हैं, और कहीं कहीं हजारों हजार वोट ज्यादा है उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्रीगेट मतलब कि पूरी कंट्री की जब बात करेंगे हम, ठीक, तो ये पता चलेगा किस पार्टी के ज्यादा सपोर्टर हैं उसी पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। तो ये बात है। तो 225 का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे ये, और इसमें जो मेजॉरिटी एक तरह से कहें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला मेंबर होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आएंगे सब। वहीं पर दूसरे ये पार्टी लिस्ट पे इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक, एक तरह से कहें कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये सेमी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हम इधर इधर देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है और यहीं पर ये देख रहे हैं कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, तो इसीलिए इसको हम मिक्स्ड वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, पार्टी लिस्ट वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, और सेमी प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, मिक्स्ड मेजोरिटेरियन वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो ये है रसिया की ड्यूमा का इलेक्शन इंडिया से, अमेरिका से, यूके से, मतलब दुनिया के कई सारे कंट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति को इस 225 के लिए भी वोट करने जाना है और इस 225 के लिए भी वोट करना है उसी टाइम पे। इंडिया में क्या है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एमपी का वोट कर देते हैं सीधे, हमको पता है कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये खड़ा है, ठीक, काम खत्म। और हमको पता भी हो जाता है कि अगर यहाँ इनका ज्यादा एक तरह से प्रभाव है तो यही जीतेंगे। लेकिन रसिया, एक तरह से कहें कि रसिया में एग्रीगेट देखा जाएगा कि किसका ज्यादा वोट आया, और उसके बाद में उनके उतने परसेंटेज एक तरह से कहें कि मेंबर इलेक्ट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं रसियन ड्यूमा का पावर और फंक्शन की, क्या क्या पावर हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं लोकसभा में कई तरह के एनुअल रिपोर्ट, जैसे कि यूपीएससी का हो गया, इलेक्शन कमीशन का हो गया, या कई तरह की बॉडीज जो हैं,
जैसे अटॉर्नी जनरल के द्वारा कई तरह के रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको पार्लियामेंट में ला करके उस पर बहस की जाती है। ठीक, तो रसिया में भी इसी तरह के कई सारे रिपोर्ट जो एनुअली पब्लिश किए जा रहे हैं उस पर बहस किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस, जैसे अगर कैबिनेट में ड्यूमा को कॉन्फिडेंस नहीं है, कैबिनेट कोई ऐसा डिसीजन ले ले रही है जिसके अगेंस्ट है ड्यूमा, तो ड्यूमा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और वो एक तरह से कहें कि कैबिनेट को डिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके रेफरेंस में अगर हम ड्यूमा के पावर की बात करें, तो अगर कैबिनेट ड्यूमा ड्यूमा के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, मतलब कि ड्यूमा में कैबिनेट का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैबिनेट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। और अगर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन 3 महीने में 2 बार आ गया, तो पूरा पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो ड्यूमा को डिसॉल्व कर दे और चाहे तो उस कैबिनेट को हटा करके दूसरे कैबिनेट का फॉर्मेशन के लिए अलाउ कर दे। अगर चाहे तो जो प्रेजेंट कैबिनेट है जो काम नहीं कर रही है ड्यूमा के हिसाब से उनको हटा दे, बोले कि दूसरी दूसरी कैबिनेट का फॉर्मेशन हो, और चाहे तो पूरी पूरी ड्यूमा को हटा के फ्रेश इलेक्शन की डिमांड कर दे। तो ये बात है। इसके बाद में कई तरह की ऑफिसेस हैं जिनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी ड्यूमा करती है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके चेयरमैन का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो वो ड्यूमा के द्वारा होगा। या ह्यूमन राइट के कमिश्नर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट भी ड्यूमा करेगी। ठीक, ऐसे और कई तरह की ऑफिसेज हैं जिनका अपॉइंटमेंट ड्यूमा के द्वारा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर ड्यूमा का इम्पीचमेंट को लेकर, इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने का अधिकार जो दिया गया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ड्यूमा को दिया गया है। ड्यूमा चाहे तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट अगर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उसको इम्पीच करने के लिए एक तरह से कहें इम्पीचमेंट बिल पास कर सकते हैं। ठीक, और 2/3 मेजोरिटी से। और अगर इनके यहाँ इम्पीचमेंट बिल पास हो गया तो फिर उसके बाद में और बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो हम लास्ट वीडियो में एग्जीक्यूटिव वाले में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट और ये सब बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। लॉ मेकिंग में ड्यूमा का सबसे एक तरह से कहें किसी कंट्री की लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो कंट्री के लिए लॉ मेकिंग करे, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक, और भी कई सारे काम है लेकिन मेन काम लॉ मेकिंग है। तो ड्यूमा को लॉ मेकिंग में कई तरह के एक तरह से कहें कि पावर मिले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पावर ये है कि ये कई कई तरह के ऐसे बिल हैं जो बजट से रिलेटेड हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, या वार किसी कंट्री का, किसी जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई बिल पास करना है तो वो सिर्फ ड्यूमा में पास होंगे। या किसी कंट्री से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होने वाली है या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और कोई बिल है तो वो सिर्फ ड्यूमा में पास किया जाएगा। ठीक, ड्यूमा का एक इंपॉर्टेंट पावर ये भी है कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करना पड़ता है ड्यूमा को। जब तक ड्यूमा अप्रूव नहीं करेगा तब तक प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। ठीक, इसके रेफरेंस में एक इंपॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट को यह मिला है कि अगर ड्यूमा प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को, जैसे प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया है, तो अगर ड्यूमा प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को 3 टाइम मतलब 3 बार डिनाई कर देती है, रिजेक्ट कर देती है कंटिन्यूअसली, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, ठीक, ड्यूमा ने कहा नहीं सही है, मतलब कि दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करो, दूसरे को अपॉइंट किया फिर रिजेक्ट कर दिया, तीसरे को अपॉइंट किया फिर रिजेक्ट कर दिया, या उसी व्यक्ति को 3 बार रिजेक्ट कर दिया, तो पावर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट चाहे तो ड्यूमा को डिजॉल्व करके काम फिनिश कर दे और बोले कि फ्रेश इलेक्शन कराओ। ठीक, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, लेजिस्लेचर में 2 हाउस हैं, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं और यह है अपर हाउस। इसका नेचर कुछ कुछ इंडिया की राज्यसभा के जैसे है, जिनको हम काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस कहते हैं, तो उसके जैसे है। इसका एक तरह से कहें कि इसके टर्म की बात करें तो 5 साल इसका भी टर्म है और इसमें 170 मेंबर हैं। ज्यादातर कंट्री में
जो लोअर हाउस है उसमें नंबर ज्यादा होता है, मतलब मेंबर्स का नंबर ज्यादा होता है, जैसे इंडिया में भी देख लो या और कई सारे कंट्री में। यहाँ इनके यहाँ जो नंबर है वो 170 नंबर है। ये नंबर चेंज होता रहता है क्योंकि रसिया कभी किसी कंट्री पे, जैसे मान लो अभी 2014 में क्रीमिया पे अटैक किया, इस समय यूक्रेन पे अटैक किया, तो टाइम टाइम पे रसिया का नेचर है कि वो अटैक करके कुछ टेरिटरी को अपने पास मिला लेता है, तो उस टेरिटरी को भी कुछ एक तरह से कहें कि वहां से भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है, तो वो मेंबर वहां से बढ़ जाते हैं, तो ये चेंज होता रहता है इनका। फिर भी ये जानो कि 170 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, टोटल 85 फेडरल सब्जेक्ट जो हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे इंडिया इंडिया की बात करें हम थोड़ी देर के लिए, इंडिया में 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक। ये इंडिया के सब्जेक्ट हैं, ठीक। ऐसे ही रसिया में जो पूरा रसिया है वो 21 रिपब्लिक में, 6 टेरिटरी में, 49 डिस्ट्रिक्ट में और 6, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है, वन ऑटोनोमस प्रोविंस होगा, ठीक। तो इन सारी चीजों में छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइडेड है, ठीक, और ये पूरे मिल करके बनते हैं। यहाँ पर नंबर कुछ डिफरेंट आ रहा है, 85 पूरा नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। बस अत ये जानिए कि रिपब्लिक कुछ रिपब्लिक पार्ट है, जैसे इंडिया में स्टेट है, कुछ टेरिटरी है जैसे इंडिया में यूनियन टेरिटरी है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और कुछ ऑटोनोमस प्रोविंस हैं। ये सब मिला करके 85 बनाते हैं, और हर एक एक तरह से कहीं यूनिट से दो दो मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने उस पार्टिकुलर यूनिट को, और इस तरह से बनता है 170। जब ये घट जाता है, जैसे मान लो 85 से घट गया 80 हो गया, तो ये नंबर भी 170 के बजाय 160 हो जाता है, तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है उनके यहाँ। इनके इलेक्शन की बात करें तो इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं राज्यसभा के मेंबर का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, तो जैसे इनके उस पार्टिकुलर यूनिट में जो एक तरह से कहें लोकल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है, वो वहाँ के लोग अपने एक तरह से कहें उस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यहाँ से दो मेंबर को फेडरेशन काउंसिल के लिए भेजते हैं, और इस तरह से टोटल बनते हैं 170 160 जो भी है, फेडरेशन काउंसिल का पूरा फॉर्मेशन होता है। पावर और फंक्शन की बात करें तो कई तरह के ऐसे पावर और फंक्शन हैं जो ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल इक्वली इंजॉय करते हैं। जैसे इंडिया में हम देखें लोकसभा राज्यसभा के पास कुछ कुछ मायने में समान अधिकार होते हैं, इक्वल पावर होते हैं, लेकिन कई मायने में राज्यसभा और कई मायने में लोकसभा स्ट्रांग है, ठीक, अपने आप में। कई मायने में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार दिया गया है, कई मायने में राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा अधिकार मिला है, तो ऐसे कुछ मामले में ड्यूमा ज्यादा पावरफुल है और कुछ मामले में फेडरेशन काउंसिल ज्यादा पावरफुल है। ये सारे मुद्दे जो बजट टैक्सेशन वार आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वार पीस ये सब इनसे रिलेटेड या प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने अधिकार हैं वो ड्यूमा को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं फेडरेशन काउंसिल से। वहीं पर फेडरेशन काउंसिल को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो ड्यूमा से ज्यादा पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। कौन से अधिकार हैं वो, जैसे अगर आर्म फोर्स को रसिया रशियन टेरिटरी के बाहर कहीं यूज करना है तो फेडरेशन काउंसिल का परमिशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अगर रशियन गवर्नमेंट की बॉर्डर को चेंज करना है, जैसे मान लो रशियन गवर्नमेंट नहीं रशियन टेरिटरी की बॉर्डर को चेंज करना है, जैसे इंडिया में कई स्टेट हैं कई यूनियन टेरिटरी हैं उनके बॉर्डर को चेंज करना है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम है वो चेंज कर सकती है, ऐसा इंडिया में है। बट वहां पर क्या है, वहां पर है कि फेडरेशन काउंसिल का परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट को, ठीक, अदर बिना उसके परमिशन के या बिना उसके कंसेंट के वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी तरह का हो। कई बार जैसे हम जब देखते हैं रसिया में, ठीक, तो वहां का जो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि आइडियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे लीक से हटके चीजें भी होती हैं रियलिटी में। खैर,
इमरजेंसी या मार्शल लॉ कहीं पर लगाना है तो उसके लिए भी फेडरेशन काउंसिल का कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक, इसके बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को अनाउंस करना, जैसे मान लो प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया और उसका डेथ हो गया या कुछ हो गया, ठीक, नया इलेक्शन कराना है तो उसको अनाउंस करने का अधिकार, मतलब कि वो डेट जो फिक्स करने का अधिकार है वो फेडरेशन काउंसिल करेगा, और उसके बाद में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाता है। इम्पीचमेंट का जो फाइनल डिसीजन है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है और इनकी पूरी फेडरल असेंबली यानी ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल परेशान है, उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो ड्यूमा के द्वारा बिल पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी से, और उसके बाद में फिर फेडरेशन काउंसिल के पास आएगा। फेडरेशन काउंसिल को ये डिसीजन मतलब है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाए खाली, या कुछ सजा दिया जाए, या क्या डिसीजन लिया जाए उनके पनिशमेंट को लेकर के, ये फेडरेशन काउंसिल को ऐसा पावर दिया गया है। ठीक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जाता है रसिया में। इंडिया में भी कुछ टाइम तक ऐसा था कि डिप्टी पीएम अपॉइंट किए जाते थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उसके बाद में भी शायद कोई अपॉइंट किया गया था इंडिया में। तो वहां पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो फेडरेशन काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये था रशियन लेजिस्लेचर के दो, एक तरह से कहें कि रशिया की जो लेजिस्लेचर है उसके अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में, उनके पावर और फंक्शन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के लेजिस्लेचर का लेजिस्लेशन, लॉ फॉर्मेशन। ठीक, तो लेजिस्लेशन को हम थोड़ा सा डिफरेंट मतलब सेपरेटली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। रसिया में या किसी भी कंट्री में कई जरूरी नहीं कि ऑर्डिनरी लॉ ही पास किए जाएं, जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कुछ हैं जो फाइनेंशियल या मनी से रिलेटेड हैं, कुछ ऑर्डिनरी हैं, तो जिनको ऑर्डिनरी बिल को पास करना है तो नॉर्मल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, या कुछ और हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी जरूरी है, या ऐसे अलग अलग तरह के कानून का बनाने के लिए अलग अलग तरह की मेजोरिटी जरूरी होती है पार्लियामेंट में। तो जो फेडरल लॉ है, ठीक, जो एक तरह से कहें कि नॉर्मल लॉ हम कह सकते हैं, उनके फॉर्मेशन में ड्यूमा को नॉर्मल मेजोरिटी या एक तरह से कहें 50%+1 मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। अगर किसी नॉर्मल लॉ को फॉर्म किया जा रहा है तो ड्यूमा 50%+1 मेजोरिटी से पास कर दे तो वो फेडरेशन काउंसिल के पास जाएगा, और वो एक तरह से 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो साइन करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, और अगर रिजेक्ट कर देता है प्रेसिडेंट तो फिर से अगर ड्यूमा पास कर देती है 2/3 मेजोरिटी से, पहले वो 50%+1 मेजोरिटी से पास की थी, तो प्रेसिडेंट इस मेजोरिटी वाले किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर ड्यूमा 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है, ठीक, तो उस तरह मतलब उन सारे बिल को प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है एक तरह से कहें साइन करने के लिए। मतलब ड्यूमा भी 2/3 मेजोरिटी से पास की है, फेडरेशन काउंसिल भी 2/3 मेजोरिटी से पास किए हैं, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है। और अगर प्रेसिडेंट नहीं साइन करता है तो 14 देश के अंदर वो बिल पास मान लिया जाता है, एक तरह से कहें साइन मान लिया जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये फेडरल लॉ के बारे में था जिनको हम ऑर्डिनरी लॉ के रूप में समझ सकते हैं। कुछ ऐसे कानून है जो एक तरह से कहें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो इस तरह के कानून को बनाने के लिए ड्यूमा को 2/3 मेजोरिटी से पास करना है। अब इस तरह के कानून पर नॉर्मल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा ड्यूमा को, और ड्यूमा के बाद में फिर फेडरेशन काउंसिल को 3/4 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। मतलब ड्यूमा अपने टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी लगा के पास की, उसके बाद में गया भी फेडरेशन काउंसिल के पास, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 3/4 मेजोरिटी, बहुत जबरदस्त मेजोरिटी है ये 3/4 मेजोरिटी। मतलब कि अगर मान लो कि 100 मेंबर प्रेजेंट हैं उस दिन, तो उसका 75% लोग अगर उसके सपोर्ट में है तब जाके वो बिल पास हो पाएगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो ड्यूमा 2/3 मेजोरिटी से पास करें, फेडरेशन काउंसिल 3/4 मेजोरिटी से, और ऐसे किसी भी कानून को पास करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड होता है। मतलब कि कोई बिल है तो उसको साइन करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड होता है। ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है
ये सिर्फ ड्यूमा में नहीं शुरू की जा सकती है, मतलब कोई बिल सिर्फ ड्यूमा में नहीं पास शुरू हो सकता है। ये अधिकार मतलब कि कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे बिल हैं जिनमें फेडरेशन काउंसिल को इम्पावर किया गया है कि इनिशिएट कर सकते हो। कुछ ऐसे इशू हैं जिन पर रसिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ठीक वहां से कुछ ड्राफ्टिंग हो सकती है, इनिशिएशन हो सकता है, और वो अल्टीमेटली फिर ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल से पास करा के कानून बन सकता है। तो किसी कानून को बनाने के लिए जो इनिशिएशन है, इनिशिएटर कौन होगा ठीक रसिया में, वो ड्यूमा भी हो सकती है, फेडरेशन काउंसिल भी हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। और ड्यूमा एक तरह से रसिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हो सकता है। कुछ लिमिटेशंस है रसिया की लेजिस्लेचर की, जो लोअर हाउस है ड्यूमा उस पर। जैसे अभी एक बात बताए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रसिया की मतलब ड्यूमा ड्यूमा पास करती है कैबिनेट के अगेंस्ट में, और 3 महीने में 2 बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ड्यूमा को डिजॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, या फिर चाहे तो कैबिनेट को हटा करके नए कैबिनेट के फॉर्मेशन की बात कर सकता है ठीक। मतलब कि अलाउ करे कि जो प्रेजेंट ड्यूमा है उसमें से कोई अलग मेंबर आए, नए मेंबर आए, और वो कैबिनेट बना करके गवर्नमेंट को चलाएं ठीक, जितने टाइम बचा है उतने टाइम के लिए। चाहे तो पूरे ड्यूमा को डिजॉल्व करे और फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करे कि फेडरेशन काउंसिल मतलब कि ड्यूमा के फ्रेश इलेक्शन की डेट अनाउंस किया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और फिर से इलेक्शन हो, फिर से ड्यूमा बने और जो काम करना है वो करें। तो ड्यूमा के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर 2 बार आया तो ड्यूमा का डिजॉल्व होना या कैबिनेट का डिजॉल्व होना तो तय है। दूसरी दूसरी लिमिटेशन है कि अगर 3 टाइम ड्यूमा ने नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया, कई तरह के नॉमिनेशन होते हैं, एक तरह से कहें डिप्लोमेट्स के, या फिर प्राइम मिनिस्टर के, या फिर और भी कई तरह की ऑफिसेज हैं जैसे ह्यूमन राइट कमिश्नर का, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया के चेयरमैन का। तो अगर इनके नॉमिनेशन को ड्यूमा ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में ड्यूमा का डिजॉल्व होना तय है। तो ये पूरा वीडियो एक तरह से कहने की हम कोशिश किए हैं कि रसिया की लेजिस्लेचर में ड्यूमा, फेडरेशन काउंसिल या इससे रिलेटेड और सारी चीजों को बताने की। अगर आपकी कोई क्वेरी है रसिया की लेजिस्लेचर पे, या फिर कोई और आपकी कोई प्रतिक्रिया है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।